हेलो गाइस, मैं हूँ सोना ग्रनेना एवन ब्यूटी पार्लर से। आज हम जेल एक्सटेंशन करेंगे और सीखेंगे कि एक्सटेंशन कैसे किया जाता है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो देखिए, मैंने पहले ये नेल्स का प्रिपरेशन करके उसमें मैंने उसके साइज़ की टिप्स लगा रही हूँ। अब लास्ट वाली टिप्स रही है बाकी, अब हम इसको कटिंग करेंगे। कस्टमर्स के पूछ के हम कट करेंगे, क्योंकि उसकी लेंथ कितनी रखेगी वो उसको कंफर्टेबल होगा उसके हिसाब से हम कट करेंगे। तो हम सारे नेल्स को कट कर देंगे। कर दिया, उसके कॉर्नर को हमको राउंड शेप देना है, क्योंकि कस्टमर को राउंड शेप चाहिए, इसलिए हम कॉर्नर को कट कर रहे हैं। अब हमने कट कर लिया, तो अब हम नेल फाइलर से हम उसको बफ करेंगे, क्योंकि उसको शेप तो देना पड़ेगा, इसलिए हमको वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी, इसलिए हमने थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया है, इसलिए हम आपको कुछ अच्छे से नहीं सिखा पाएंगे, क्योंकि आप देख लीजिएगा, आपको समझ जरूर आ जाएगा। अब हमने राउंड शेप कर दिया है और उसको हम एसीटोन से क्लीन कर देंगे। अब हमने एसीटोन से क्लीन भी कर लिया है, अब हम इसके ऊपर जेल पॉलिश लगाएंगे। कस्टमर की डिमांड थी कि हम पर्पल कलर उस पर यूज़ करें, तो हमने पर्पल कलर लिया है और जेल पॉलिश कर रहे हैं। हमारी जेल पॉलिश हो गई, अब हम इसको क्योर करने देंगे 16 सेकेंड्स। हमने दूसरी कोटलिंग लगा दी उसके बाद अब हमको कस्टमर की डिमांड थी कि उसको उस पर हम में पहले लगाया, फिर बाद में रिंग फिंगर में लगाया अच्छे से। ये वाला ब्रश से अच्छा होता है लगाने के लिए, लेकिन हाथ से मुझे बहुत कंफर्टेबल होता है, इसलिए मैं हाथ ही से लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे वही अच्छा लगता है और उसकी फिनिशिंग भी अच्छी आती है। उसके बाद हम उसको साफ कर लेंगे, फिर उस पर टॉप कोट लगाएंगे, क्योंकि हमको टॉप कोट लगाने के बाद ही हमारा पूरा फाइनल लुक दिखेगा। टॉप कोट लगा दिया, बाद में हम 16 सेकेंड फिर से